Hello everyone. So the today's topic is object as function argument. Okay. So now we'll see what is object as function argument. Okay. So as तुम लोगों को पता होगा कि C में तुम लोग ने function बनाए होंगे. तो function में क्या होता है कि तुम लोग integer type के, char type के या float type के डेटा एज फंक्शन आर्ग्यूमेंट पास करते हो. ठीक है. सेम वे तुम लोग ऑब्जेक्ट एज अ फंक्शन आर्ग्यूमेंट भी पास कर सकते हो. ठीक है. वो हम लोग ये टॉपिक में देखने वाले हैं कि ऑब्जेक्ट तुम लोग कैसे पास करोगे एज अ फंक्शन आर्ग्यूमेंट. ओके. सो वी विल सॉल्व वन प्रोग्राम सो दैट वी यू कैन अंडरस्टैंड वॉट इज ऑब्जेक्ट एज फंक्शन आर्ग्यूमेंट. ठीक है. बेसिकली ऑब्जेक्ट एज फंक्शन आर्ग्यूमेंट क्या होता है, जैसे तुम लोग फंक्शन में इंटीजर वैल्यू या कैर वैल्यू या फ्लोट वैल्यू एज ए आर्ग्यूमेंट पास करते हो, वैसे ही हम लोग क्या करने वाले, क्लास के ऑब्जेक्ट पहले से ही क्रिएट करने वाले एंड एज ए फंक्शन आर्ग्यूमेंट हो पास करने वाले हो तुम लोग अपने मेम्बर फंक्शन के अंदर. ओके. सो द क्वेश्चन इज राइट ए प्रोग्राम टू क्रिएट क्लास टेस्ट हैविंग डेटा मेंबर नम. ओके. एक्सेप्ट एंड डिस्प्ले सम ऑफ टू नंबर्स यूजिंग ऑब्जेक्ट एज फंक्शन आर्ग्यूमेंट. सो टू नंबर्स का तुम लोगों को क्या एडिशन डिस्प्ले करना है यूजिंग ऑब्जेक्ट एज फंक्शन आर्ग्यूमेंट. ओके. एंड क्लास क्या बोला है, टेस्ट. ओके. तो सो विल क्रिएट क्लास टेस्ट. ओके. Having data member num. Okay, so int num. Okay, public में आएगा void. पहले तुम लोग को num का value क्या करना पड़ेगा, accept करने पड़ेगा. ठीक है. तो हम लोग क्या करेंगे, accept. Okay, now ये मैं function बनाऊंगी जो एक argument accept करेगा int x. Okay. तो ए का वैल्यू क्या आएगा, सॉरी नाम का वैल्यू क्या आएगा, नाम इज इक्वल टू एक्स. आई होप तुम लोग को फंक्शन में कैसे आर्ग्यूमेंट एक्सेप्ट कर आर्ग्यूमेंट पास करते हैं वो पता है. अगर नहीं पता तो क्या होता है कि ठीक है, तुम लोग को किसका वैल्यू एक्सेप्ट करना है, नाम का. ओके. सो तुम लोग ऐसे लिख सकते हो लाइक सी आउट एंटर वैल्यू ऑफ नाम. ओके. एंटर नाम, सी इन नाम. या तो तुम लोग क्या कर सकते हो, फंक्शन में ही एक आर्ग्यूमेंट पास कर सकते हो. अभी इन नाम कौन से टाइप का है, इन टाइप का. तो मैंने एक वेरिएबल पास किया एक्स, वो भी क्या कौन से टाइप का है, इन टाइप का. ठीक है. तो नाम क्या हो जाएगा, एक्स हो जाएगा. ठीक है. जब भी हम लोग ये फंक्शन कॉल करेंगे तो हम लोग को एक्स का वैल्यू पास करना पड़ेगा. ओके. सो दूसरा फंक्शन है वॉइड डिस्प. ओके. तो डिस्प में बेसिकली क्या हो रहा है कि तुम लोग को सम कैलकुलेट करना है. तो मैं एक वेरिएबल बनाऊंगी सम. ओके. नाउ दिस पार्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट. ओके. तो तुम लोग के पास एक ही नम है. ओके. एंड तुम लोग को दो नम का क्या करना है, सममेशन करना है, मतलब एडिशन करना है दो नम का. ओके. तो दूसरा नम किधर से आएगा, तो हम लोग क्या करेंगे, ऑब्जेक्ट एज फंक्शन आर्ग्यूमेंट यूज करेंगे. मतलब क्या, डिस्क में ही हम लोग क्या करेंगे, क्लास के ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे. तो क्लास के ऑब्जेक्ट तुम लोग कैसे क्रिएट करते हो, लाइक क्लास नेम टेस्ट टी वन, दूसरा होगा टेस्ट टी टू. ओके. मैंने क्या किए, दो क्लास के ऑब्जेक्ट क्रिएट किए एज ए फंक्शन आर्ग्यूमेंट पास कर रहे तुम लोग. ये ऑब्जेक्ट्स है और ये क्या है, नॉर्मल डेटा मेंबर है. ठीक है. ये नॉर्मल वेरिएबल है जो पास किया तुम लोग ने एक फंक्शन में, और दूसरे फंक्शन में तुम लोग ने क्लास के ऑब्जेक्ट क्रिएट किए और वो पास किए. ठीक है. नाउ एज यू ऑल नो कि जब भी तुम लोग मेंबर फंक्शन को कॉल करते हो, लाइक एक्सेप्ट को मुझे कॉल करना है, तो तुम लोग कैसे कॉल करोगे, टी वन डॉट एक्सेप्ट, या डिस्प को कॉल करना है तो टी वन डॉट डिस्प करना पड़ता है. ठीक है. तो तुम लोग को डेटा मेंबर्स को भी क्या करना पड़ता है, वैसे ही कॉल करना पड़ता है. अगर मुझे डेटा मेंबर को कॉल करना है तो मुझे भी लाइक नाम को मुझे कॉल करना है तो मुझे वैसे ही लिखना पड़ेगा टी वन डॉट नाम प्लस टी टू डॉट
none, okay. So basically addition sum क्या है, T1 में जो भी हम लोग value accept करने वाले हैं num का, वो plus T2 object create करेंगे, उससे जो value accept करने वाले हैं num का वो, ठीक है. तो T1 plus T2 क्या हो जाएगा तुम लोग का, sum, ठीक है. see out क्या होगा. void main, अगेन void main बहुत इंपॉर्टेंट है, तुम लोगों को ध्यान से देखना पड़ेगा ना. टेस्ट के मैंने ऑब्जेक्ट क्रिएट किए थे T1 कॉमा T2 कॉमा, मैं और एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करूँगी T3, ओके. ना मैं क्या करूँगी, T1 डॉट एक्सेप्ट. नाउ एक्सेप्ट में एक वेरिएबल है इंट एक्स का, उसका तुम लोग को वैल्यू देना पड़ेगा, ठीक है. मैंने वैल्यू दिया 10, ओके. T2 डॉट एक्सेप्ट. नाउ एक्सेप्ट में एक वेरिएबल है एक्स, ठीक है, उसका वैल्यू देना पड़ेगा. सपोज मैंने दिया 20, ओके. एंड T3 मैं कॉल करूँगी डिस्प्ले, ओके. नाउ डिस्प्ले में दो ऑब्जेक्ट्स है, ठीक है, एक T1 है, दूसरा क्या है T2 है. तो इधर भी तुम लोग के ऑब्जेक्ट क्या है, T1 है, एंड दूसरा क्या है T2 है, ठीक है. तो तुम लोग को वही देने पड़ेंगे T1, T2, ओके. एंड गेट CH, ठीक है. नाउ T1 डॉट एक्सेप्ट क्या करेगा, ये एक्सेप्ट को कॉल करेगा, उसके अंदर एक आर्ग्यूमेंट है इंट एक्स, मैं उसका वैल्यू मैंने क्या दिया है 10, तो नम का वैल्यू क्या हो जाएगा 10, ओके. नाउ T2 एक्सेप्ट को कॉल करेगा, एक्सेप्ट के अंदर एक वेरिएबल है एक्स, उसका वैल्यू मैंने क्या दिया है 20, तो नम क्या हो जाएगा 20. नाउ मैं T3 से डिस्प्ले को कॉल करूँ, उसके अंदर क्या है T1 एंड T2. नाउ T1 के लिए नम का वैल्यू क्या था 10 था, एंड T2 के लिए नम का वैल्यू क्या था 20 था. तो सम अल्टीमेटली तुम लोग का क्या आना चाहिए, 30 आना चाहिए, ठीक है. लेट्स चेक, मैं किधर ठीक है, सम क्या आया तुम लोग का 30 आया, ठीक है. तुम लोग अगर तुम लोग को थर्ड ऑब्जेक्ट क्रिएट नहीं करना है तो तुम लोग ऐसे भी कर सकते हो, सिर्फ मेरे दो ही ऑब्जेक्ट है T1 एंड T2, तुम लोग इसको T1 से भी कॉल कर सकते हो, ठीक है. सम क्या आएगा 30, या तुम लोग इसको T2 से भी कॉल कर सकते हो, सम क्या आएगा 30 आएगा, ठीक है. मैंने तुम लोग को ये दो मैं ये इस ये फंक्शन में आर्ग्यूमेंट एक्सेप्ट इसलिए किया है कि तुम लोगों को नॉर्मल आर्ग्यूमेंट एंड आर्ग्यूमेंट ऑब्जेक्ट एज आर्ग्यूमेंट समझने के लिए लिया है. तुम लोग को अगर ऐसे नहीं लिखना है तो तुम लोग डायरेक्टली भी लिख सकते हो, जैसे हम लोग जो रेगुलरली लिखते हैं सी आउट इंटर नाम, ओके, एंड सी इन नाम, ऐसे भी लिख सकते हो, ऐसे भी प्रोग्राम कर सकते हो. बट सिर्फ तुम लोग के अंडरस्टैंडिंग के लिए मैंने लिखा है, सिंस तुम लोग को जो नॉर्मल आर्ग्यूमेंट एंड ऑब्जेक्ट एज अ आर्ग्यूमेंट समझने के लिए, ठीक है. ऑब्जेक्ट कैसे क्रिएट करते हैं कि तुम लोगों को क्लास के ऑब्जेक्ट, तो क्लास नेम लिखना पड़ता है, उसके बाद ऑब्जेक्ट नेम लिखना पड़ता है, ठीक है. तो क्लास नेम उसके बाद ऑब्जेक्ट नेम, तुम लोग को दो नंबर का एडिशन बोला इसलिए मैंने दो ऑब्जेक्ट क्रिएट किए. अगर तीन नंबर का बोला तुम लोग को तीन ऑब्जेक्ट क्रिएट करना पड़ता है, ठीक है. एंड जो भी डेटा मेंबर्स या मेंबर फंक्शन को कॉल करना है तो तुम लोग को क्या यूज़ करना पड़ता है, पहले उसके ऑब्जेक्ट फिर डॉट नाम. लाइक हम लोग ने इधर डेटा मेंबर को मेंबर फंक्शन को कैसे कॉल किया, एक्सेप्ट को, बाय यूजिंग द ऑब्जेक्ट नेम. सेम वे अगर डेटा मेंबर को कॉल करना है तो तुम लोग को क्या यूज़ करना पड़ेगा, ऑब्जेक्ट नेम. इसलिए T1.num प्लस T2.num आया. आई होप तुम लोग को ये प्रोग्राम समझ में आया, ठीक है. हम लोग और भी प्रोग्राम लेने वाले हैं,
तो तुम लोग को ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा, ठीक है। सो दिस इज अनदर प्रोग्राम बाय यूजिंग ऑब्जेक्ट एज फंक्शन आर्ग्यूमेंट, ओके, एंड दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट प्रोग्राम, सिमिलर काइंड ऑफ प्रोग्राम, and such program appear in the in your exams, right? The question is, write a program to create class book having data members name and price, okay, accept data of two books and check book with greater price using object as function argument. So it is clearly mentioned that you have to use object as a function argument, okay. So you have to create one class and class name is book, okay, and they have given data members as name and price, okay. So char name and int price, ठीक है। सो वी हैव टू डिस्प्ले बुक विथ ग्रेटर प्राइस और मैक्सिमम प्राइस, ओके। सो वन फंक्शन इज वॉइड एक्सेप्ट, ओके। सो वी विल डू सी आउट name and price see in name price, okay. Next function is void display, okay. So in void display you have to create object as function argument. So they have given you have to accept data of two books, so we will create two objects, book b1 comma book b2, okay. Our question is you have to compare the price of two books, okay. You have to use one if, since you have to compare the price, okay. You have to check whether the price of book B1 is greater or whether the price of B2 is greater, okay. So how you will access the value of how you will access the price by using the object, okay. So object is b1, okay, b1 dot price, okay. If b1 dot price is greater than b2 dot price, okay, in previous program I have already explained you how to access the data member or member function by using the object, and here object is b1 and object is b2 and data member is price. If you want to access the price, then you have to use the data member object, okay. So if b1 dot price is greater than b2 dot price, then see out book with max price is we will not display the price, we will display the name of the book. Obviously b1 is greater, so b1 book with object b1 will be greater, okay, b1 dot name, and we will display the name of big book which has the maximum price, okay. Else see out book with max price will be b2 dot price, okay. Here the function will get end
your class end. Okay, so void main. Okay, book b1 comma b2 comma b3 b1 dot accept b2 dot accept and b3 dot display bracket mein aayega b1 comma b2. Since a display function has function object as function argument, and you have to give the objects which you have created. Okay, if you have created object like c1 comma c2, then you have to in display you have to give object as c1 comma c2. Okay, let's run it. Okay, so enter name and price. Okay, name of the book is OP. Okay, and price is 100. Okay, enter name and price. So name of the book is DSU and price is 50. Okay, so book with max price is OP. Okay, I hope you understood this. If I write b1 dot price, okay, then op 100 dsu 50, then it will display as book with maximum price is 100, but we don't want the price. We want to know the book which has the maximum price, so we will write here name. Okay, एक बार स्टार्टिंग से रिवाइज करते हैं. ठीक है, सो क्वेश्चन इज राइट अ प्रोग्राम टू क्रिएट क्लास बुक. सो क्लास क्या है? बुक है. हैविंग डेटा मेंबर्स एज नेम एंड प्राइस. सो नेम एंड प्राइस विल बी द डेटा मेंबर्स. एक्सेप्ट डेटा ऑफ टू बुक्स एंड चेक द बुक विथ ग्रेटर प्राइस यूजिंग ऑब्जेक्ट्स एज फंक्शन आर्ग्यूमेंट. ठीक है, सो फर्स्ट वी हैव टू एक्सेप्ट द नेम एंड प्राइस. ओके, सी नेम एंड प्राइस एंड डिस्प्ले. डिस्प्ले में क्या होगा? ऑब्जेक्ट एज फंक्शन आर्ग्यूमेंट होगा. एंड तुम लोग को दो बुक्स के प्राइस में कंपेयर करना है, इसलिए क्या होगा, दो ऑब्जेक्ट बनेंगे लाइक b1 बुक b1 एंड बुक b2. अगर तीन में कंपेयर करना होगा तो तीन ऑब्जेक्ट बनेंगे. ठीक है, now we have to check which book has a greater price or maximum price. So we have to compare. So we have to use the if statement. So if b1 dot price is greater than b2 dot price, to kaun sa greater hai? Obviously b1 dot price greater hai. Theek hai, to see out kya aayega, book with maximum price is b1 dot name. Tum log idhar b1 dot price bhi likh sakte ho. Theek hai, else बुक विथ मैक्सिमम प्राइज इज b2 डॉट नेम. इधर तुम लोग b2 डॉट प्राइस भी लिख सकते हो. फिर जो बुक का प्राइस ग्रेटर है वो प्राइस डिस्प्ले होगा, अदरवाइज जो बुक का प्राइस ग्रेटर है उसका नेम डिस्प्ले होगा इधर. ठीक है, इधर ये सी एल्स खत्म हो रहा है, इधर ये फंक्शन खत्म हो रहा है डिस्प्ले, एंड इधर ये क्लास एंड हो रहा है. ठीक है, वर्ड मेन में मैंने तीन ऑब्जेक्ट बनाए b1 b2 b3 फॉर योर अंडरस्टैंडिंग. तुम लोग दो ऑब्जेक्ट भी क्रिएट कर सकते हो. ठीक है, b1 डॉट एक्सेप्ट आएगा. ठीक है, एक बुक का वैल्यू एक्सेप्ट होगा. b2 डॉट एक्सेप्ट होगा, दूसरे बुक का वैल्यू एक्सेप्ट होगा. एंड b3 से क्या होगा, b3 क्या कर रहा है, सिर्फ डिस्प्ले कर रहा है. और डिस्प्ले में क्या है, डिस्प्ले में दो ऑब्जेक्ट है एज फंक्शन आर्ग्यूमेंट. तो तुम लोग को दो ऑब्जेक्ट देने पड़ेंगे एज फंक्शन आर्ग्यूमेंट. अगर मैंने इधर b1 नहीं किया, b11 किया ऑब्जेक्ट, ठीक है, मेरी मर्जी है, मैं कुछ भी ऑब्जेक्ट करूँ. इधर मैंने किया b12 किया, तो तुम लोग को क्या करना पड़ेगा, b11 b12.
ठीक है, तो इधर भी तुम लोगों को क्या देना पड़ेगा, B11 एंड B12, ठीक है। आई होप तुम लोगों को ये समझ में आ रहा है कि क्या होता है, व्हाट इज़ द ऑब्जेक्ट एज फंक्शन आर्ग्यूमेंट। लास्ट जो प्रोग्राम मैंने किया था वो मैंने फंक्शन में भी एक आर्ग्यूमेंट लिया था, नॉर्मल आर्ग्यूमेंट, और दूसरा जो फंक्शन था उसमें ऑब्जेक्ट एज फंक्शन आर्ग्यूमेंट था। इसमें मैंने सिंपल एक वर्ड एक्सेप्ट फंक्शन, मेम्बर फंक्शन बनाया विदाउट एनी आर्ग्यूमेंट, ठीक है। आई होप यू अंडरस्टूड दिस कंसेप्ट, ठीक है। तुम लोग को कुछ भी क्वेरी होगा तो ऑनलाइन सेशन में हम लोग डिस्प्ले हम लोग ये करने वाले, डिस्कस करने वाले, ठीक है। थैंक यू।